गुरु प्यारी सत्संग जी, जेकर चैनल दे उपर नवे आयो तो परला पंजाब चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो ते नाल ही बैल आइकन वाली घंटी नू भी जरूर दबा दिओ। सत्संग जी, अज दी इस वीडियो दे विच तुहानू मरण जीण दीआं गल्लां दे बारे एक बहुत वड्डा सच पता लग जाण वाला है कि हो गया जिहा लुधियाणा शहर दे विच कि एक मरी हुई बच्ची खुद चल के अपने घर पहुँचती है, अपने परिवार के पहुँचती है, अपने माता पिता तो अपन चीज़ा बस्ता समान सारा कुछ मंगन लग पैंदी है। कि होया अजिहा? यह पूरी घटना लुधियाणा शहर के एक पिंड की है जिथों की रहने वाली एक बच्ची हरमनप्रीत कौर। यह बच्ची अपने माता पिता के नाल किसी जगह के उत्ते घूमन ले जा रही होंगी है, पर इस बच्ची के वलों अपने माता पिता को कुछ अजिहा बोल दिता जाता है जिसनों सुन के मापिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस बच्ची दे वल्लों किया जाता है कि पापा आप धूरी जाना है, वह भी ट्रेन तो, टिकट आप इतों लैनी है। एक गल सोच के माता पिता बड़े हैरान हुए कि एक 6 साल की बच्ची नू किवें पता है कि ट्रेन ते आप जाना है, आप धूरी जाना है, जबकि असी तो कदे बच्ची के सामने धूरी वर्ड यूज़ भी नहीं किया। मापे कहन लगे कि पुत तेनू किवें पता? तो ती कहन लगे कि पापा आप धूरी जाना है, मेरे घर जावांगे आप। ये सुन के माँ प्यो बड़े हैरान होए तो चुप चुपीते धी की गल सुन के धूरी की टिकट कटा ली। उत्थे पहुँचे तो बच्ची कहन लगी कि पापा आप गुरु घर के मत्था टेकना। बच्ची के कहने माता पिता धूरी दे एक गुरु घर के मत्था टेकन वास्ते पहुँच जाते हैं। उत्थे एक ग्रंथी सिंह मिलते हैं तो हरमन के पिता उस ग्रंथी सिंह कह लगते हैं कि भाई जी साड़ी बच्ची धूरी आन की जिद कर रही सी, तो कह रही थी कि इतने मेरा घर है। तो बच्ची एड्रेस दस दी है कि बाबा जी असी इतने जाना है। तो जो बच्ची के मुँह एड्रेस सुनते हैं मापे तो बड़े परेशान होंगे है कि इसन तो एक नवी जगह का नाम भी पता है। तो जो ग्रंथी सिंह सामने बच्ची उस जगह का नाम बोलती है तो ग्रंथी सिंह हैरान होकर कहते हैं कि हाँ जी बेटा जी इतने वो जगह हैगी है। तो उन्होंने एक बच्ची भी सी जो 7 साल पहला इस फानी संसार नू अलविदा कह गई। ये सुन के मापे बड़े हैरान होंदे आ ते मापे अपनी बच्ची नू लैके उस घर दे विच जाण लगदे आ। पर बच्ची दे पिता कहन लगे कि बेटा तू अगे अगे चल, मैनू नहीं पता कि उन्हां नाल की गल करनी है, तू पहचानदी है तो तू गल कर ले। बच्ची अगे अगे जाती है तो चुप चुपीते तुरदी जाती है जिवें इस बच्ची नू सारा कुछ ही पता होवे कि उसका घर कित्थे है। तो बच्ची अपने घर जाती है, घर के अंदर जाके कहती है कि माँ मैं आ गई। तो उसकी माँ जिहड़ी है जो उसके पुराने जन्म की माँ होंदी है बड़ी हैरान होंदी है कि ये कौन है। तो फिर वह कहती कि माँ मैं तेरी धी हाँ, मैं अनु हाँ। ये सुन के माँ बड़ी हैरान होंदी है। तो बच्ची कहती है कि मम्मा मेरी घड़ी कित्थे है? माँ कह लगती है जिथे तू रखी सी उत्थे की पई होनी, होर कित्थे होनी है। माँ भी चुप चुपीते उस बच्ची का साथ देंदी जाती है, वो कुड़ी घड़ी लभ लैंदी है। इन्हें नूं उसके माता पिता जो उसके असल माता पिता ने वह उत्थे पहुँच जाते हैं। आपस च गल्लां बातां हुंदियां। तो उस दिन कुड़ी दे नवें जन्म वाले माता पिता नूं इह गल पता लगदी है कि 7 साल पहला इस बच्ची का जन्म उसके उन्होंने घर जदों हुंदा है तो उस ही दिन एक कुड़ी जिहड़ी है बस एक्सीडेंट दे विच मारी जाती है। हरमन दी पिछले जन्म वाली मम्मी ने दस्या कि मेरी बेटी स्कूल गई सी तो इस दौरान एक वड्डा हादसा वापर जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। हरमन नूं याद आ जाता है तो हरमन दस दिए कि पापा मैं स्कूल जा रही सी, मेरे बस्ते दे विच एक कापी डेगी। तो जिवें ही मैं कापी चकन वास्ते झुकी तो मेरे उपर बस चढ़ गई, मैनू हस्पताल ले जाया गया तो उस तो बाद मेरी मौत हो गई तो मैनू दोबारा तो यह जन्म मिलिया तो मैं तुहाडे घर दे विच जम्मी। हालांकि विज्ञानियों के वलों इस गल उत्ते कोई भी भरोसा नहीं किया जा रहा, पर बच्ची नू सारा कुछ याद है। एक 7 साल की बच्ची 6-7 साल के बच्चे नू की पता हुंदा है, पर बच्ची नू सब कुछ पता है। बच्ची ने सारिया गल्लां अपने मापिया नू दसियां ते उन्हां नू मिली ते अपना समान लैके अपने जिहड़े नवे जन्म वाले माता पिता है उन्हां दे घर चली गई। पर अजे भी वह अपने माता पिता नू मिलन वास्ते आउंदी है। खैर विज्ञानियों के वलों इस गल उत्ते कोई भी भरोसा नहीं किया गया, पर तुहाडे की विचार ने तुसीं जरूर दस्सियो।